हेलो नमस्कार, मेरा नाम है निखिल एंड आज की वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U को स्नैपड्रैगन 732G से। एंड यहाँ पर दोनों ही चिपसेट काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट है, यहाँ पर दोनों के ऊपर ही बेस्ड होते हुए फ़ोन हमें मार्केट में नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि कौन सा ज़्यादा बेटर चिपसेट है, बिकॉज कमिंग फ्यूचर में 2-3 महीनों के अंदर ही हमें दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर दोनों ही चिपसेट के ऊपर हमें दोनों ही फोन्स मिल जाएंगे, मतलब दोनों ही चिपसेट हमें मिल जाएंगे हमारे मार्केट में। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर होगा बाय करना, बिकॉज दोनों का जो प्राइसिंग होने वाला है वो लगभग इक्वल देखने को मिल सकता है हमारे मार्केट में। तो एक बेटर आइडिया देने के लिए वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, ताकि आपको आगे पता रहे कि अगर आपको वेट करना चाहिए ये दोनों के दोनों चिपसेट के लिए, तो किसके लिए ज़्यादा वेट करना चाहिए एंड कौन सा ज़्यादा बेटर बेट आपके लिए हो सकता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो पहले अगर बात करते हैं दोनों के लॉन्च डेट की, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U जो है वो लॉन्च हुआ था 18 अगस्त 2020 में, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G स्लाइटली लेटेस्ट है, ये यहाँ पर लॉन्च हुआ है 1 सितंबर 2020 में। कंपेयर करते हैं यहाँ पर दोनों के फैब्रिकेशन को, तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U जो है स्लाइटली बेटर निकल के आता है। ऑल्दो दोनों में इतना कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्लाइटली बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी, बिकॉज यहाँ पर हमें मिलता है 7nm का TSMC वाला प्रोसेसर, जबकि यहां पर स्नैपड्रैगन 732G में हमें मिलता है 8nm का LPP वाला प्रोसेस। तो ये ज्यादा पुराना भी नहीं है अगर हम कंपेयर करते हैं तो, बट यहां पर ऑल्दो दोनों के कंपैरिजन में डायमेंसिटी बेटर निकल के आता है। एंड यहां पर अगर हम कंपेयर करते हैं नॉर्मल एक्सिनोस के चिपसेट से, तो उन दोनों के मामले में तो यहां पर डायमेंसिटी इवन तो स्नैपड्रैगन भी बेटर परफॉर्म करता है, बिकॉज वहां पर हमें मेनली 10nm का ही फैब्रिकेशन मिलता है। तो यहां पर डायमेंसिटी में एंड स्नैपड्रैगन में दोनों में हमें एक्सिनोस के मुकाबले काफी अच्छा फैब्रिकेशन मिलता है, बट यहाँ पर स्नैपड्रैगन के मुकाबले हमें डायमेंसिटी 800U में बेटर फैब्रिकेशन मिलता है। तो इसका दो फायदा होगा आपको, डायमेंसिटी 800U में जो हीटिंग है वो काफी हद तक कंट्रोल रहेगी एंड जो बैटरी एफिशिएंसी है वो स्लाइटली ज्यादा होगी डायमेंसिटी 800U में। रैम की जहां तक बात आती है, तो यहाँ पर दोनों में ही हमें ड्यूल चैनल LPDDR4X का रैम मिलता है, बट यहाँ पर हमें ज्यादा रैम का सपोर्ट मिलता है डायमेंसिटी 800U में। इवन जो रैम का जो स्पीड है वो भी काफी हद तक ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 732G। तो रैम के मामले में अगेन डायमेंसिटी 800U एक विनर निकल के आता है। स्टोरेज कंपैटिबिलिटी के मामले से भी यहाँ पर डायमेंसिटी 800U बेटर निकल के आता है, बिकॉज यहाँ पर हमें UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है, जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G में हमें UFS 2.1 का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर स्लाइट अपग्रेड है, ऑल्दो यहाँ पर कोई बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट स्लाइटली डायमेंसिटी इज बेटर। AI के मामले में यहाँ पर अभी भी मैं कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज मुझे दोनों के AI परफॉर्मेंस को और से टेस्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि डायमेंसिटी 800U एंड स्नैपड्रैगन 732G दोनों ही इक्वल परफॉर्म करेंगे, बिकॉज यहाँ पर जो स्नैपड्रैगन 730G था उसके AI परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है स्नैपड्रैगन 732G के AI परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर हमें स्लाइटली बेटरमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन 730G स्नैपड्रैगन 732G में। तो यहाँ पर हमें दोनों में जो लगभग AI परफॉर्मेंस होने वाली है वो काफ़ी हद तक इक्वल एक्सपेक्टेड है, ऑल्दो मुझे अभी भी काफ़ी हद तक जो टेस्ट है वो कैरी आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद में कुछ कह सकता हूँ। बाकी ISP के मामले में यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G बेटर परफॉर्म करता है, यहाँ पर हमें बेटर सिंगल सेंसर एंड बेटर ड्यूल सेंसर का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपको बेटर इमेज सिग्नल प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 732G में। तो ऑल्दो आपको जो इमेज प्रोसेसिंग होने वाली है काफी हद तक बेटर होने वाली है स्नैपड्रैगन 732G में। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले से यहाँ पर दोनों ही इक्वल है, दोनों में 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है 30fps पे। तो अगर आपको स्लो मोशन वाली वीडियो रिकॉर्ड करनी, तो दोनों में आप यहाँ पर 720p पे स्विच कर सकते हो, जहाँ पर आपको लगभग 120fps वाला वीडियो का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप दोनों में ही 60fps पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको जो रेजोल्यूशन है वो 1080p पे ही रखना पड़ेगा। बाकी डिस्प्ले के मामले से यहाँ पर दोनों ही सपोर्ट करते हैं फुल HD प्लस तक के डिस्प्ले को, जो कि 120Hz पे काम करेंगे। ऑल्दो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G में QHD प्लस तक के डिस्प्ले को भी लगाया जा सकता है, जो कि 60Hz पे काम करेगा, बट यहाँ पर कोई भी QHD प्लस तक का डिस्प्ले आपको नहीं मिलेगा,
लगेगा बिकॉज ये एक बजट चिपसेट है एंड बजट चिपसेट में कॉस्टिंग बचाने के लिए आपको फुल एचडी प्लस तक का ही डिस्प्ले दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको 90 से लेके 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाए बट जो रेजोल्यूशन है वो आपको फुल एचडी प्लस ही मिलेगी दोनों ही चिपसेट के साथ में। बात करते हैं यहाँ मॉडल की तो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U काफी ज्यादा बढ़िया है बिकॉज यहाँ पर हमें 5G मॉडल मिलता है तो यहाँ पर मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज 5G मॉडल इज ऑल्दो ऑलवेज बेटर बट यहाँ पर अभी तक इंडिया में 5G का कोई भी कनेक्टिविटी आया नहीं है सही से। तो यहाँ पर दोनों को ही अगर हम कंपेयर करते हैं तो 4G बेसिस पे दोनों ही लगभग इक्वल है बट 5G की अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स डायमेंसिटी 800U जो है वो बेटर निकल के आता है। एंटूटू एंड गिगबेंच की बात करते हैं तो यहाँ पर एंटूटू 8 में दोनों का जो मिनिमल स्कोर है वो लगभग इक्वल के आसपास का है बट यहाँ पर जो हायर स्कोर है वो यहाँ पर डायमेंसिटी 800U का बेटर है। यहाँ पर ये लगभग 341,000 तक भी स्कोर कर चुका है एंटूटू पे एंड ऑन दी अदर एंड स्नैपड्रैगन 732G जो है अभी तक इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख तक ही है। हो सकता है कि 310,000 तक भी ये स्कोर कर ले, टाइम बता देगा कि क्या हो सकता है बट करेंटली यहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से एंटूटू बेंचमार्क के हिसाब से डायमेंसिटी 800U जो है बेटर परफॉर्म करता है। एंड गिगबेंच की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि गिगबेंच में भी डायमेंसिटी 800U जो है अपना जो परफॉर्मेंस है काफी ज्यादा बढ़िया देता है। ऑल्दो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G जो है ज्यादा पीछे तो नहीं है, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया है बट यहाँ पर कंपेरेटिवली डायमेंसिटी 800U इज बेटर एंड यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ही गैप देखने को मिल रहा है हमें डायमेंसिटी 800U एंड स्नैपड्रैगन 732G में। तो आई होप सो कि यहाँ पर अपडेट के साथ में ऑप्टिमाइजेशन के साथ में यहाँ पर स्नैपड्रैगन को बेटर किया जा सकता है बट देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी गेमिंग के मामले से अगर हम बात करते हैं सिर्फ पबजी की तो यहाँ पर दोनों में आपको लगभग इक्वल परफॉर्मेंस मिल जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर डायमेंसिटी विल परफॉर्म बेटर स्लाइटली बट यहाँ पर आपको दोनों में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस देने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हो दोनों ही आपको लगभग सेम गेमिंग करवा देंगे तो गेमिंग के लिहाज से यहाँ पर दोनों में ही आपको सिर्फ 19-20 का फासला मिलता है। ऑल्दो यहाँ पर जो एंटीडोट स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है दोनों के बट करेंटली यहाँ पर पबजी दोनों में ही काफ़ी हद तक इक्वल चलता है। CPU की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोनों में हमें ड्यूल क्लस्टर मिलता है। यहाँ पर दोनों में हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलता है एक्चुअली बिकॉज यहाँ पर दोनों में ही हमें दो कोर मिलते हैं कॉर्टेक्स के 76 वाले एंड यहाँ पर हमें एफिशिएंसी के लिए 6 कोर्स मिलते हैं कॉर्टेक्स के A55 वाले। यहाँ पर जो क्लॉक स्पीड है हायर परफॉर्मेंस वाले कोर्स की वो है 2.4 GHz डायमेंसिटी में एंड यहाँ पर स्नैपड्रैगन में वो कैप्ड है 2.3 GHz पे। तो यहाँ पर जो हायर क्लॉक स्पीड है वो स्लाइटली बेटर है डायमेंसिटी 800U में जबकि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G ज्यादा पावर बचाएगा बिकॉज यहाँ पर जो एफिशिएंसी वाले कोर्स है वो थोड़े से लोअर क्लॉक स्पीड पर रन कर रहे हैं। तो ऑल्दो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस वाले कोर्स है वो स्लाइटली बेटर है डायमेंसिटी 800U में बट जो पावर एफिशिएंसी वाले कोर्स है उनकी क्लॉक स्पीड कम होने की वजह से जो पावर एफिशिएंसी है वो यहाँ पर स्लाइटली बढ़ा देता है स्नैपड्रैगन 732G जो ज्यादा लाइक इतना भी नहीं बढ़ा देता है कि आपको देखने को मिल जाएगा परफॉर्मेंस के हिसाब से लाइक बैटरी एफिशिएंसी बट यहाँ पर स्लाइट मार्जिन से बेटर निकल के आता है डायमेंसिटी 800U परफॉर्मेंस के मामले से एंड बैटरी एफिशिएंसी के मामले से स्नैपड्रैगन 732G इज बेटर। तो अगर आपको एडिटिंग करना है, अगर आपको कोई रेंडरिंग वाले टास्क करना है तो आपको डायमेंसिटी 800U प्रीफर करना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पर दोनों का सीपीयू में कोई ज्यादा बड़ा गैप तो नहीं है बट फिर भी डायमेंसिटी 800U को प्रीफर करना चाहिए बट नॉर्मल यूजेज में आपको दोनों ही इक्वल परफॉर्मेंस दे देंगे। बात करते हैं यहाँ पर GPU की तो अभी तक डायमेंसिटी 800U को मैं बेटर मान के चल रहा हूँ एज पर इट्स परफॉर्मेंस। बाकी हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद स्नैपड्रैगन 732G और थोड़ा बेटर परफॉर्म करे बट अभी करेंटली डायमेंसिटी 800U का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा बढ़िया है एंड दोनों के कंपैरिजन में हम डायमेंसिटी 800U को बेटर मान के चल सकते हैं अभी तक बिकॉज दोनों के कंपैरिजन में डायमेंसिटी 800U जो है बेटर परफॉर्म करता है गेमिंग में। एंड इवन आप बात करते हैं एंटूटू की एंड गिगबेंच की तो वहां पर भी डायमेंसिटी 800U जो है बेटर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं कौन सा बेटर चिपसेट है तो ऑफकोर्स यहाँ पर डायमेंसिटी 800U स्लाइटली बेटर निकल के आता है बिकॉज दोनों में कोई बड़ा गैप तो नहीं है बट यहाँ पर फैब्रिकेशन बेटर है डायमेंसिटी 800U में, यहाँ पर रैम बेटर है एंड यहाँ पर जो मॉडेम है वो भी काफी हद तक बेटर है डायमेंसिटी 800U में। तो यहाँ पर CPU एंड GPU भी आप कह सकते हो स्लाइटली बेटर ही है बट ऑल्दो वो स्नैपड्रैगन 732G का भी काफी अच्छा है
बस ऑप्टिमाइजेशन अगर ऑप्टिमाइजेशन अगर अच्छे से करी जाए तो दोनों ही काफ़ी हद तक इक्वल परफॉर्म कर सकते हैं गेमिंग में एंड नॉर्मल डे टू डे टास्क में। बाकी देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है, कौन से फ़ोन्स में हमें स्नैपड्रैगन 732G मिलते हैं एंड कौन से फ़ोन्स में हमें डायमेंसिटी 800U मिलता है। बाकी आपके क्या अनुमान है कि कौन से फ़ोन में हमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 732G, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड टिल देन This is Nick signing off.